नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का एक बेहद खूबसूरत और आसान डिजाइन लाई हूँ, जिसे आप जेंट्स स्वेटर में, लेडीज कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, बच्चों के स्वेटर में, चाहे किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये बहुत ही सुंदर लगेगा। छोटी छोटी बूटी का बेहद खूबसूरत डिजाइन बनाना बहुत ही आसान और बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। डिजाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो और डिजाइन अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। वीडियो पूरा देखिएगा। डिजाइन बहुत ही आसान है और बेहद खूबसूरत। इसे बनाने के लिए हमें सम संख्या में फंदे चाहिए, यानी दो के मल्टीपल में हम कितने भी फंदे ले सकते हैं। तो मैंने सिलाई में 28 फंदे लिए हैं, 28 स्टिचेस। ये डिजाइन एक ही लाइन का है, यानी दोनों साइड से ये एक ही जैसा बनाया जाएगा। यदि आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप रॉन्ग साइड से फंदे बढ़ा लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिजाइन बनाते हैं। तो ये डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से, तो पहले फंदे को हम स्लिप करें, अब उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को हम एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। एक फंदा यहाँ पे घट गया, अब उन दूसरी ओर करेंगे अगला फंदा। देखिए अगला फंदा, तो हम इस ऐसे सिलाई न डाल के दोनों फंदों के बीच में, देखिए दूसरे और फंदे के बीच में हम सिलाई डालेंगे। देखिए हमने किसी फंदे में ये सिलाई नहीं डाला है, बल्कि दो फंदे के बीच में जो स्पेस है उसमें हमने सिलाई डाला है। तो दो फंदे के बीच में सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। देखिए यहाँ से हमने एक लूप निकाला, देखिए ये दो फंदों के बीच से हमने एक लूप निकाला। अब इसको ऐसे खींचे रहेंगे और अब अगले फंदे को, जिसके बाद हमने लूप निकाला था, उसको हम सीधा बुनेंगे। तो ये एक से दो फंदे हो गए, अब उनको अपनी ओर करेंगे। अब दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक और दो, दो को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे। तो यहाँ पे एक फंदा हमारा घट गया, अब उन दूसरी ओर करेंगे। अब दो फंदों के बीच में हम सिलाई डालेंगे। देखिए हमने किसी फंदे में नहीं डाला, बल्कि दो फंदे के बीच में जो जगह है उसमें हमने सिलाई डाला। एक लूप निकाल लेंगे और अब हम फंदे में सिलाई डालेंगे और इसे हम सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पे दो फंदे हो गए, अब इसे छोड़ देंगे। अब ऊन को अपनी ओर करेंगे। नेक्स्ट दो फंदों को हम एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। एक फंदा यहाँ घटा, एक फंदा यहाँ बढ़ा, यानी जितने फंदे थे वापस उतने फंदे हो गए। अब उन दूसरी ओर करेंगे। अब अगले फंदे, अगले दो फंदे हम लेंगे, इन दोनों फंदों के बीच में हम सिलाई डालेंगे, एक लूप निकाल लेंगे। लूप निकाल लिया, अब हम फंदे को सीधा बुन लेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए दो का एक कर देंगे। उन दूसरी ओर, एक और दो, दो फंदे के बीच में हम सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे और फिर अब पहले वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे। उन अपनी ओर, दो फंदों को हम लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे। उन दूसरी ओर, दो फंदों के बीच में हम सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे और फिर जिस फंदे के बाद हमने लूप निकाला था उस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। तो एक लूप और एक फंदा, ये दो फंदे हो गए। अब उन अपनी ओर करेंगे और फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। तो
एक फंदे में हम यहाँ पे हम दो फंदे कर रहे हैं, दो फंदे बना ले रहे हैं, और अगले फंदे में देखिए यहाँ पे दो का एक कर रहे हैं तो फंदा घट जा रहा है। सीधा बुनते समय एक फंदा बढ़ रहा है और उल्टा बुनते समय दो का एक हो रहा है, एक फंदा घट जा रहा है। तो हमारे जितने फंदे थे वापस हमारे पास उतने ही फंदे रह जा रहे हैं। इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब रॉन्ग साइड से पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। अब हम दूसरी साइड में हैं, ये रॉन्ग साइड में, तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। अब देखिए ये दो फंदे इकट्ठे हैं, इन दोनों को हम एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। उन दूसरी ओर अब देखिए यहाँ पे एक फंदा ऐसे ऐसे, देखिए ये एक फिर दो फिर एक फिर दो फिर एक फिर दो, इस तरह हमारा ऐसे बनता चला गया है। तो ये एक फंदा है, इसके बाद हम सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे और फिर इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। अब उन अपनी ओर करेंगे। अब देखिए दो फंदे इकट्ठे हैं, इन दोनों को एक साथ लेंगे। यहाँ पे हमने सीधे फंदे में लूप लिया था और फिर सीधा फंदा बनाया था, तो इसे हम रॉन्ग साइड से दोनों को एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बना लेंगे। यहाँ पे हम देखिए दो फंदों को एक साथ लिया, उल्टा बुन लिया। अब कि इन दोनों इस फंदे के बाद हम ऐसे लूप निकालेंगे और फिर इस फंदे को रॉन्ग साइड से सीधा बुन लेंगे। फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए दो का एक। उन दूसरी ओर अब अगले फंदे के बाद हम सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे और फिर फंदे को सीधा बुन लेंगे। उन अपनी ओर दो फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। उन दूसरी ओर नेक्स्ट फंदे के बाद हम सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, फिर इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। उन अपनी ओर देखिए दो फंदे ये इकट्ठे हैं, इन दोनों को हम एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे। तो मूलतः ये पहले लाइन को ही हम दोहरा रहे हैं, दो का एक करेंगे उल्टा बुनते हुए और एक फंदा है तो इसके बाद हम सिलाई डालेंगे, ये लूप निकालेंगे, फिर इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो एक ही लाइन का और दो ही फंदे का ये डिज़ाइन है। देखिए दो का एक किया, फिर यहाँ पे एक से दो किया, दो का एक किया, फिर एक से दो किया। लास्ट फंदा चूंकि हम रॉन्ग साइड में है तो इसे हम उल्टा बुनेंगे। अब फिर हम सामने की तरफ आ गए हैं, तो पहला फंदा हम या तो सीधा बुनेंगे या फिर स्लिप करेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे। अब देखिए ये दो फंदे इकट्ठे हैं, इन दोनों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे। उन दूसरी ओर अब देखिए ये फंदा अकेला है तो इसके बाद हम ऐसे सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे और फिर इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। अब उन अपनी ओर करेंगे। अब ये दो फंदे हैं जिसे पीछे से हमने लूप निकाल के बुना था, तो इन दोनों को हम एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे। उन दूसरी ओर ये फंदा है तो इसके बाद हम ऐसे सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, फिर इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। दो फंदों को एक साथ लेंगे, दो का एक करेंगे, फिर एक फंदे से हम दो फंदा करेंगे। तो
इस तरह ये खूबसूरत सा छोटी छोटी बूटी का एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बनता चला जाएगा। और ये रिवर्सेबल पैटर्न है, यानी आगे और पीछे से दोनों साइड से ये एक ही जैसा दिखाई देगा, सामने से भी और रॉन्ग साइड से दोनों साइड से ये एक ही जैसा दिखाई देगा। फ्रेंड्स, डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है और बहुत ही आसान। इसे आप अपने स्वेटर में जरूर बनाइएगा। छोटी छोटी बूटी का ये खूबसूरत सा डिजाइन बनाना बेहद आसान है और देखिए कितना खूबसूरत है। एक लाइन का ये डिज़ाइन है, दोनों साइड से एक ही जैसा बुना जाता है। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।